Shakers and Shakers के इस शॉकिंग एपिसोड में मैं शेखर सुमन आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों देश में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, बिहार में अजहरुद्दीन की टोपी खो गई। जब अजहर साहब को टोपी की चोरी का पता चला तो उन्होंने सब बिहारियों को चोर बोल दिया। क्या करो शेखर बाबू, ठीक उसी तरह जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, मेरा बाप चोर है, दीवार में आई। लेकिन कैप्टन अजहर बाबू, बिहारी तो हम भी हैं, कहीं से चोर दिखता हूँ का? चोर दिखता हूँ? चोर वो नहीं हूँ मैं। ऐसा लग रहा है अजहर बाबू, ये आपकी टोपी नहीं है। क्या है ना, जब आपकी टोपी चोरी हो गई और आप बच्चों के जैसे रोने लगे तो हमने यहाँ मूवर्स एंड शेकर्स में चंदा इकट्ठा करके आपके लिए स्पेशली ये टोपी बनवाई। अरे भाई, किसी ने सोचा हुआ कि इलेक्शन का समय आ गया, टोपी काम में आएगी? और अच्छा हुआ कि चोरी नेट प्रैक्टिस में हुई, अगर स्विमिंग पूल में नहाते समय होती तो पता नहीं कौन सा आइटम चोरी कर जाता। लेकिन सारे कांड में हमें एक ही शेर याद आ रहा है, अर्ज किया है, बिहार का आदमी पता नहीं कहाँ जा रहा है, बिहार का आदमी पता नहीं कहाँ जा रहा है, दुनिया को टोपी पहनाने वाला खुद टोपी चुरा रहा है। अरे देश विदेश में हमारी नाक कट रही है, करोड़ों के घोटाले और चारा खाने वाली जनता अब जरा सी टोपी पे मर रही है। बस। लेकिन क्या है, कुछ आदमी अपनी टोपी बड़ी संभाल के रखते हैं, जैसे अशोक मेहता। तो चलिए आज मिलते हैं अशोक मेहता के साथ अनुपमा वर्मा से और जोरदार तालियों से स्वागत करें शारी और उसके रबर बैंड का। अरे जरा कुछ बजा। अरे ये शारी कहां गया? तो बाहर भाग गया। बाहर भाग गया? यू मीन आउट? शारी इज डे आउट? नो प्रॉब्लम, आई विल कैच हिम ऑन हिज मोबाइल। I hope everything is fine. This is Shari on the line. On the line? अरे Shari, यहाँ online चल रहा है, सब लोग बेकार में परेशान हो रहे। Where are you? बेकार में नहीं, मैं कार में हूँ। And I want you to know that I'm through with your show. Shari, मेरे यार, क्या हुआ? क्या ऐसा? ऐसा वैसा नहीं, पैसा पैसा। I don't want your praise. Just give me a raise. Raise? अरे मैं तुम्हें अंग्रेज दे रहा हूँ। Now this show is being shown in UK. UK is okay. Have fun, London. But Mr. Suman, I want you to know that I am done. देख Shari, raise के बाद मुझसे मत कर, producer से कर। मैं शेखर हूँ, शेख नहीं। लेकिन movers और shakers में है क्या? You see, I want to be a star. तुम stand-up comedy करते हो, guests का interviews भी लेते हो, और मुझे साइड में खड़ा रहकर तुम्हारे साइडी जोक्स पर हंसना पड़ता है। हो 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 हो। नो 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 शेखर, आई कांट टेक इट नो मोर। बस यार Shari, तुम भी तो साइड में खड़े होकर स्टैंड अप ही करते रहते हो ना, दैट्स व्हाई यू आर सो आउटस्टैंडिंग। अब ये बताओ, व्हाट डू यू वांट? 50-50 वो क्या है? वो ये है कि मैं करूंगा 50% स्टैंड अप एंड इंटरव्यूज और बाकी का 50% आई लीव इट फॉर यू। अरे Shari, तुम्हारा बैंड है ना यार, तुम वो बजाओ। मेरी बैंड क्यों बजा रहे हो, मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देखो Shari, ऑडियंस गाली दे रही है। ऑडियंस दे गाली या बजाए ताली, मैं जा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मेरी जेब है खाली। ठीक है, फिर मैं सब लोगों को बता देता हूँ कि तुमने सैटरडे नाइट को देर रात तक क्या किया। नो 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 नो, सैटरडे नो वन नोज अंटिल आई कम, प्लीज डोंट डिस्क्लोज। मैं आ रहा हूँ शेखर, मैं आ रहा हूँ। आयो आ गया शेखर, आ गया। प्लीज डोंट डिस्क्लोज यार, प्लीज। नहीं करूंगा, अब चुपचाप वहां जाके बाजा बजाओ। ठीक है ठीक है। वेलकम बैक, आई एम शेखर सुमन एंड यू वॉचिंग मूवर्स एंड शेकर्स। पिछले दिनों चुनाव भी मलेरिया की तरह पूरे देश में फैला था और देश में दो ही टॉपिक छाए रहे, एक तो बाबरी, दूसरी राबड़ी। उम्मीदवार भी इस बार तरह तरह के देखने को मिले, चोर, उचक्के, डाकू, अनपढ़ गंवार, सब अपना भाग्य आजमाने चले आए।
ऐसे ही एक उम्मीदवार से चुनाव अधिकारी फॉर्म भरवा रहा था। उसने पूछा नाम, जवाब मिला कल्लू राम। फादर्स नेम गंगाराम। एड्रेस गांव धजरई जिला टीकमगढ़। एमपी। सेक्स चुप। सेक्स। उम्मीदवार को सोचता रहा, बोला जी हफ्ते में दो बार। ऑफिसर बोला कमबख्त मारे, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है सेक्स से, मेल या फीमेल। बोला क्या बात कर रहे हो, मेल तो कभी नहीं, हमेशा ही फीमेल। अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ उम्मीदवारों के ये हाल हो, वोटर भी कम नहीं। बैलेट पेपर को वो चिट्ठी समझते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो मोहर के जगह अंगूठा लगाते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो अपना ज्ञान बैलेट पेपर पे उतारते हैं। ऐसे ही एक वोटर ने बैलेट पेपर पे लिखा, कल्लू राम जी को गंगाराम जी का राम राम पहुंचे, आगे समाचार ये है कि आपके चुनाव चिन्ह उल्लू पर हमने अंगूठा लगा दिया है, उल्लू तो हमारे गांव में हर रात आता है, एक आध बार आप भी आओ। क्या करें, हमारे देश में फ्रांस की तरह एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला है ना। अब आप पूछेंगे फ्रांस ही क्यों, वो इसलिए क्योंकि अभी फ्रांस में एकदम नए किस्म का प्रयोग शुरू हुआ है। अब वहाँ के टॉयलेट पेपर पर तरह तरह के आर्टिकल छापे जा रहे हैं, मसलन हिस्ट्री कल्चर और करंट टॉपिक्स पर रोचक जानकारी इन टॉयलेट पेपर्स पर छापी जा रही है, जिसकी वहाँ के मार्केट में बड़ी डिमांड है। अगर अब आपको हिस्ट्री पर कोई जानकारी चाहिए तो स्टडी रूम जाने की जरूरत नहीं, बल्कि टॉयलेट में घुस जाना। साक्षरता मिशन के शुरुआत की इससे बढ़िया जगह और क्या हो सकती है। भाई इन एजुकेटिव टॉयलेट पेपर की इंडिया को सख्त जरूरत है, ना स्कूल का खर्चा ना मास्टर की तनख्वाह, आदमी बैठे बैठे एडुकेट है। लगता है आजकल कुत्तों के दिन भी फिर गए हैं। हो सकता है आप बीमार हो, अस्पताल जाएं और आपको वहां कोई बेड खाली ना मिले क्योंकि आपके बेड पर कोई कुत्ता सो रहा है। जी हाँ, दिल्ली के राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल का यही हाल है, वहां के बिस्तरों पर कुत्ते सोते रहते हैं। हद तो तब हो गई जब इस मामले में कोर्ट को आदेश देने पड़े कि बिस्तरों पर कुत्ते नहीं आदमी सुलाओ। वैसे आजकल लगभग हर इंसानी काम कंप्यूटर करने लगा है। ऐसे ही एक कंप्यूटर था जो सब कुछ बता देता था। एक लड़के ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, कंफ्यूज करना चाहा, कंप्यूटर से पूछा मेरी मम्मी के हस्बैंड का नाम बताओ। कंप्यूटर ने जवाब दिया मिस्टर रामलाल। लड़के ने फिर पूछा अच्छा मेरे डैडी कौन है। कंप्यूटर ने अब की बार जवाब दिया मिस्टर प्रेम कुमार। वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा हमारे देश का सिस्टम भी अजीब है, जैसे बिजनौर के एक डॉक्टर ने एक जिंदा बच्ची को मरा हुआ डिक्लेयर किया, और इतना ही नहीं उसने अपनी डिलीवरी की फीस भी वसूल ली। उधर अलवर में कोर्ट ने एक ऐसे आदमी को शहर की शांति भंग करने के आरोप में कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया जिसे मरे हुए 6 महीने हो गए थे। एक डॉक्टर से एक मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं अभी जिंदा हूं और आप मुझे मरा हुआ घोषित कर रहे हैं। तो नर्स ने तपाक से जवाब दिया तुम चुप रहो, तुम क्या डॉक्टर से ज्यादा जानते हो। अगर लोग डॉक्टर से ज्यादा जानते तो ये विज्ञापन क्यों बनते। क्या आप सर्दी खांसी से परेशान हैं? हाँ। क्या आपका सर दर्द से फटा जा रहा है? हाँ हाँ। क्या आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं? हाँ भाई। क्या आपकी बीवी आपको मारती है? हाँ भाई हाँ। तो आपको चाहिए डॉक्टर शेखर सुमन की एक ही गोली। बस एक ही गोली काफी है। दोस्तों इस देश में कई किस्म के बूम्स आए, क्राइम बूम, बेबी बूम, मनी बूम, लेकिन एक बूम का जो बूम आया उसके पीछे एक ऐसी बूम बूम लड़की का हाथ है, मतलब एक ऐसी खूबसूरत लड़की का हाथ है जिसे अगर आप देख लें और जिसके मोहब्बत में अगर आप गिरफ्तार हो जाएं तो आप भी सिर्फ यही गुनगुनाएंगे कि तेरे बिन जीना नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द बूम बूम गर्ल अनुपमा वर्मा। हेलो शेखर, व्हाट्स दिस? नो म्यूजिक? नो म्यूजिक? आई एम नर्वस विद द साउंड ऑफ साइलेंस। ओह स्वीटहार्ट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माय साइलेंस यू विल नेवर अंडरस्टैंड माय वर्ड्स एंड यू विल नेवर अंडरस्टैंड माय म्यूजिक। ये तुम्हारे आने के बाद जो इतने सारे नौजवान जो किलो के भाव से यहाँ बिखरे पड़े हैं, अगर तुम उनके दिल के धड़कनों को म्यूजिक नहीं मानती हो तो कुछ कुछ सुनाई दे रही है। दे रहे जरा ऊंचा ऊंचा बड़ा। क्या
कॉफी? थैंक यू. अशोक नहीं एक तो व्हाट्स योर सन साइन अनुपमा? यू वन गेस. नो सी माय मेन आई एम लियो द लायनेस. ओह लियो, इसीलिए चॉकलेट देती है. ले लियो. लियो लियो ले लियो. पैदाइश कहाँ हुई आप? I was born in a city called Lucknow. बहुत तहजीब वाली, बहुत तमीज वाली सिटी है. लड़की भी तमीज वाली है? सिटी तो तहजीब वाली है, लड़की आप बताएंगे दस बिल्कुल में. बहुत तहजीब वाली है, बहुत तमीज. ये जो ये भी कुत्ते भी जो हाँ हाँ कर रहे हैं बैठ के. ये जो तुम्हारा सफ़र, हिंदी वाला सफ़र जो है लखनऊ से लेके बम्बई तक, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? एक्चुअली लखनऊ में मैं पैदा हुई थी पर सफ़र वहीं ख़त्म हो गया बिकॉज मैं वहाँ से उठा ली गई थी. माई फादर इज़ अ फाइटर पायलट. तो लखनऊ वॉज माई मम इज़ देयर. सो दैट्स हाउ आई वाज बॉर्न देयर. और उसके बाद मैं अपने फादर के साथ आई वाज ट्रैवलिंग विद हिम, फ्लाइंग अराउंड विद हिम एंड द फाइटर प्लेन. No, he was in the fighter plane and I was alone. And you were just hanging on. Yeah, I was just hanging on. Okay. And the last couple of years, we lived in Delhi with my grandparents, so my brother and me, for my education. And that's how the fighting spirit has come, that now from the Delhi city. Absolutely, never say die. Never say die. Never say die. No. Well, it was not really like that. It was on one of my assignments, I was here and... one thing just led to another and I signed up with Channel V and my base had to be Bombay. Tumne Grahan film mein kaam kiya hai. Kya anubhav tumhara raha hai? It was really good. Pehli film hai isliye pooch raha hu. Haan ji, it was really good. Mujhe mera role bahut pasand aaya and the whole thing was so easy ki I'm a little curious ki maine kya kiya because I don't feel like I put so much effort. Because the flow was it was really I mean, it was really easy, like I said. I guess a lot of credit goes to my director. But I didn't ever feel, oh God, I've done so much, you know. Aisa koi embarrassing moment hua jahan tum jhep gayi ya tumhe aisa laga? Haan. Hai toba, ye kya ho gaya? Aise hai toba to meri zindagi mein bahut hue. Wo bahut hue? Kyunki meri film aa rahi hai and that's the newest on my agenda. To main uske bare mein bataungi. It was actually my screen test in Grahan, where... I was told that okay, your screen test is happening and it's going to be here and just dress very casually and just come. So I went there and maine socha tha ki ek kamra hoga wahan, ek chhota sa camera hoga aur chaat panch mein line bol dungi, wo log shoot karenge, main ghar aa jaungi. But it's just the whole setup and it's my screen test and first movie, it just unnerved me because I didn't expect it. So unne mujhe ek पेज दिया, उसमें काफ़ी लाइनें थी एंड मैं फटाफट वो लाइनें पढ़ने लगी एंड दे सेड टेक योर टाइम, जितना टाइम लेना है यू डू इट एंड आई वाज आउट टू इंप्रेस देम. सो आई सेड 10 मिनट में, नहीं आई एम रेडी एंड ऑल दिस. आर यू श्योर? आई सेड नो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, इट्स ओके. सो द लाइन वेंट लाइक दैट, वी एंटर अ रेस्टोरेंट एंड इट्स अ कॉन्वर्सेशन विद जैकी वेयर आई हैव टू टेल हिम दैट आई एम काइंड ऑफ एंगेज टू हिम कि कल तुम्हारा जन्मदिन है और पिताजी चाहते हैं कि तुम अपना जन्मदिन हम सबके साथ बिताओ, तो घर पर ज़रूर आना. So that was the line. So I went there and when that line came, I said, "Kal pitaji ka janamdin hai aur pitaji chahte hain ki tum unka janamdin unke saath akele bitao." Pehle se to pehle tumne story ke pure aur maine bola pura bola ye what unse ho gaya uske aur suddenly maine bola and it was like dhadam, ye kya bol diya and I started laughing. So I thought they'll cut. So I said mera matlab to Jackie said, मैं जानता हूँ तुम्हारा मतलब क्या है. आई सेड पर मेरा मतलब, इसे एंड आई केप्ट लाफिंग, जब तुम हंसती हो तो कितनी अच्छी लगती हो. एंड वी जस्ट वेंट ऑन लाइक दैट एंड दैट्स माय ओपनिंग सीन इन द फिल्म, इट्स बीन केप्ट दैट वे. पर जैकी ने जो कहा वो बहुत सही कहा, तुम हंसते हो बहुत अच्छी लगती हो. थैंक यू अनुपमा, थैंक यू फॉर बीइंग एंड थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स. सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.